भाजपा नेता करोड़ीलाल मीना के इस्तीफे देने के बाद भी राजस्थान की सियासत में हलचल है। उनके इस्तीफे देने के बाद भी कई सियासी कयास लगाए जा रहे हैं। विधानसभा में बजट के समय भी कांग्रेसियों ने करोड़ीलाल मीना के नाम का काफी शोर किया। इस बीच बीजेपी नेता करोड़ीलाल मीना ने बड़ा बयान देते हुए कहा, मैं छत्रपति शिवाजी और राणा प्रताप की संतान हूँ, लड़ता आया हूँ और आगे भी लड़ता रहूंगा। करोड़ीलाल मीना का बयान अब सुर्खियों में है। इस दौरान करोड़ीलाल ने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। उन्होंने राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि हिंदू हिंसक नहीं होते। नमस्कार, मैं हूं शेख जूही, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। दरअसल एक मीडिया इंटरव्यू के दौरान दिए गए करोड़ीलाल मीना के बयान ने सियासत में हलचल तेज कर दी। इस दौरान करोड़ीलाल अपने पुराने ही अंदाज में दिखाई दिए। उन्होंने हिंदुत्व के मामले को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि मैं छत्रपति शिवाजी और राणा प्रताप की संतान हूँ, लड़ता हूँ, आगे भी लड़ता रहूंगा। मैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को मानता हूँ, इसलिए उनके ही संस्कार मुझ में है। इस दौरान उनसे पूछा गया कि क्या अब आप सड़कों पर संघर्ष करते रहेंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं तो अभी भी लड़ता आया था। मैं जब मंत्री था तब भी RSS अभ्यर्थियों की मांग को लेकर उनसे मिलने धरने पर गया। उन्होंने कहा कि इसमें अपने सरकार की क्या खिलाफत है, जो वास्तविकता थी उसी पर ही तो मैंने सरकार का ध्यान आकर्षित करवाया। बता दें कि बीते दिनों राहुल गांधी के बयान को लेकर जमकर बवाल मचा। इस दौरान काफी चर्चा रही कि लोकसभा में राहुल गांधी ने हिंदुत्व को हिंसक बताया। इसके जवाब में करोड़ीलाल मीना बोले कि हिंदू हिंसक नहीं होते, हिंदू आगे से किसी से लड़ाई नहीं करता। इस दौरान करोड़ीलाल मीना ने भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग भी उठाई। उन्होंने कहा, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए प्रतिशत हिंदू तैयार करने होंगे। जिस तरह से धर्म की रक्षा के लिए शिवाजी और राणा प्रताप अधर्मियों के खिलाफ लड़े, वैसे हिंदू तैयार करने होंगे। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द नगरी न्यूज़। शुक्रिया।